हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम Yeah.
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य
मनंद बाहु शशि सूर्य श्यामीत शव स्वे स्वीर व्याके आमी सुरसंग्राहि संधि प्रांजल स्वस्ति महर्षि सिद्ध संघ स्तुवन्ति स्तुति सो ये साध्या विश्वेश्म मरुत सोष्मास सुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते स्मिता सेव सर्वे शतव्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसिहिता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्तमाधिदेव पुरुष पुराण स्वमस्य ईश्वरस्य करं विधानम् भित्तास्ति विद्यं च परं च धाम त्वया कृतं ईश्वरमनं वायुर्यमो मे वरुणशशां कवितामहस्ते सुसहस्रते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते कविकमस्तु सर्वं समातो हिततो हि सर्व सघेति मात्वा प्रसन्नं यदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सघेति मया प्रमादात्मये न
गीता जी का पाठ चौथा अध्याय श्लोक संख्या 21 से 30 तक। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु निराशीर्यत सेतात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदेच्छा लाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सर समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस यज्ञयाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गान्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरेयज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरेयज्ञं यज्ञेनैवोपजुहते श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुवति शब्दादीन् विषयाण्यन्य इन्द्रियाग्निषु जुवति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ
ज्ञान दीपिते परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास यतज संशित व्रता अपाने जुहति प्राणं ताने पानं तथा परे प्राणापानगति रुद्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुहति सर्वेत्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकर्मसा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुहति सर्वेत्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकर्मसा वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 15 फरवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पति पूरी है तो ये वास्तव में संसार की सत्ता नहीं है, क्योंकि संसार तो क्षण परिणामी है। एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, निरंतर अभाव जा रहा है निरंतर।
तो है अपना ये परमात्मा का है। इसको अगर स्वीकार कर रहे कि ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, बहिरंतस्थ भूतानाम असरम सर्वेव सूक्ष्म तदवीक्षेयम् दूरस्थम शांति तत्। जिसने भूत भौतिक पदार्थ देखते हैं उनके बाहर भी वही परमात्मा है, उनके भीतर भी वही परमात्मा है, और ये सरासर देखते हैं वे भी परमात्मा ही है। तो परमात्मा क्यों नहीं दिखते कि सूक्ष्म तदवीक्षेयम् अत्यंत सूक्ष्म होने से देखते नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। जिस जाति की वस्तु होती है उसी धातु की, उसी धातु की हमारी दृष्टि होनी चाहिए। तो दृष्टि है स्थूल जगत की, वो अत्यंत अणु अणियान मातो महियान, अणु से अणियान अत्यंत अणु है, अत्यंत अनु से सूक्ष्म कोई चीज नहीं है, ऐसी वो सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म होने से नहीं दिखता है, तो ये क्यों कहा सूक्ष्म उतना तो नहीं दिखे? इस वास्ते कहा कि नहीं दिखता है तो होगा भी नहीं, वो तो दिखना चाहिए, तो ये नहीं है सूक्ष्म उतना तक दिखे। अगे अगे अभी ये है अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण से वो इंद्रियों का विषय नहीं होता। उसी बात है कि विज्ञाता हमारे केंद्र ज्ञान में अब जो सब विज्ञाता है वो जानने के साथ वो जानने वाला है, वो जानने वाला भी ऐसा है वो भाव रूप से, कर्ता रूप से नहीं है, भाव रूप से यत्ति मात्र जानना मात्र, तो जानना मात्र का अनुभव होता है, जानना मात्र है वो, सत्ता मात्र है, ज्ञान मात्र है, सन्मय चिन्मय चितन घन ज्ञानमय, जानना मात्र भाव रूप से दूर शांति के इस वक्त, दूर से दूर अंति नजीक से नजीक वही है, वो देश के दूर अंतर होता है, मानो यहाँ से दूर यात्रा दूर पृथ्वी होती पृथ्वी हो कहां तो एक आ जाता है, लोकालोक पर्वत आ जाता है, उससे आगाड़ी दूर से दूर और नजीक से नजीक जहाँ वृत्ति पैदा होती है वहाँ उसे पहले है वह, तो नजीक नजीक वो नजीक से नजीक भी दूर से दूर भी वो है। ऐसे ही कालकृत दूरी और नजीक, अभी ये अभी नजीक है और भूतकाल कितना ही बीत गया, कई ब्रह्मा जी हो गए, तो दूर से दूर वो भी वही है, और अगाड़ी दूर क्या भविष्य का देखा जाए तो दूर से दूर, तो मानो अगाड़ी होने वाला भी कब तक होगा इसको कोई सीमा नहीं है, वो सब में परिपूर्ण ऐसा है। उसके होने से इस संसार का होनापन दिखता है, संसार ने खुद में प्रकाशित होने की शक्ति नहीं है, पर प्रकाश है ये, उसके प्रकाश से ही ये प्रकाशित होता है, वो सब का ज्ञाता है। ज्ञाता एक व्यक्ति ही जानने वाला ऐसा नहीं है, स्वतः ज्ञान रूप है वो, ज्ञाता सर्व है, स्वाभाविक जानना मात्र, वो सत्ता मात्र, चिन्मय चैतन्यता मात्र, आनंदमय प्रसूत में आता है आनंदमय अभ्यासात, वो आनंदमय है अभ्यासात, अभ्यास क्या होता है बार बार उसे विमिशन किया है, इसलिए मात्र है वो परमात्मा परिपूर्ण
सब शाद सदघन चिदघन आनंद घन है। घन के लगे मतलब ठोस, भूमा अचल शाश्वत अमल सब ठोस है। तू सर्वदा यह देह है, पोला घड़ा फलता बिगड़ता है सदा, ये दुश्चित नदीता है सब, ये तो बनता गिरता रहता है। तू इसका ठोस परिपूर्ण है। भागवत रामायण महाभारत आदि ग्रंथों में जहाँ भगवान की स्तुति का वर्णन आता है, भगवान की स्तुति की जाती है, वह कहते आदि में आप हो, अंत में आप हो, उद्देश्य में आप हो, उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप आप, और उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले वो आप ही हो। पहले आप पीछे भी हो, संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आपसे ही होता है। हरेक स्तुति में ये बातें आ जाएगी, वहां संभालने वाले आप हो, उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले आप हो, ऊपर नीचे बाहर जितना आप हो, सगुण की स्थिति में अंदर गुण की स्थिति में सह कहीं निराकार कबर में वह ऐसा आता है, साकार कबर में होता है वह भी ऐसा आता है। साकार में समय भी इतने आप इतने सीन थे आप छोटे से ऐसा नहीं आता है। जैसे प्रकाश रूप से है, ये जो प्रकाश है ये निराकार है, विपत्ति है, ये साकार है। तो निराकार साकार भेद नहीं है, जो भक्ति है वो यहाँ प्रकाश है, यहाँ प्रकाश है वही भक्ति है। ऐसे वो परमात्म तत्व है, साकार रूप से गणित तो वही गणित नित्य सर्वगत स्थान अचलो अयम सनातन। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिपर्ति सर्वभव्यम अचिंत्यंत कूटस्थलम असलम ध्रुवम आठ विशेषण दिए। ये विशेषण हम लोगों के लिए है, मन वो चीज उसका वर्ण नहीं हो। ये तो वास्तव निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, जहाँ वाणी का प्रवेश नहीं है वहाँ वाणी क्या कहे। तो वाणी एक लक्ष्य कराती है, सत्य है मन उसका अभाव नहीं है, चेतन है मन वो जड़ नहीं है, आनंद है मन दुख विकार नहीं है। ऐसे निषेधात्मक शब्दों से भी उसी का वर्ण है, और विध्यात्मक शब्दों से भी उसी का वर्ण है। वास्तव में निषेध से रहित तत्व है वो, है जो का तो है, वो है होने से उसको वर्ण करते। उसका अभाव कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, वो है भाव रूप से नित्य निरंतर। परंतु अपने जो सत्ता मानते स्थित विचुण रहता है। त्रिकाल अबाध्यत्म सत्यत्म ऐसा सत्य का लक्षण लिया है, तीनों ही काल में उसका बाध नहीं होता। भूत में नहीं थे ऐसे नहीं, भविष्य में नहीं है बात है, वर्तमान में नहीं है ऐसी बात नहीं। तो ऐसे जो कहा जाता है भूत भविष्य वर्तमान में वही है, तो काल वासनायुतम जिस श्रोता के भीतर काल की वासना है, समय की वासना है, इस वास्ते उस समय को लेकर उसे वर्णन करते हैं। देश की एक वासना है, देश लंबा चौड़ा ये है, इस वास्ते उसको लेकर देश का वर्णन करते हैं। उसके वस्तुओं की वासना होने से उसको समझाने के लिए वस्तु रूप से कहते हैं। वास्तव में वो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय के दो अर्थ होता है, एक तो उसका निर्वचन नहीं कर सकते, और एक निर्वचन वहां पहुंचता नहीं, उसको स्पर्श नहीं करता। जैसे कोई निर्देश करके उसको पकड़ के बता दे, ऐसे उसका निर्वचन नहीं हो सकता। वो एक है इतना ही मान सकते हैं, है वो। क्यों मान सकते हैं कि जो संसार दिखता है उसको हम विचार करें तो बिल्कुल एक क्षण भी टिकता नहीं, हरदम बदलता है। तभी तो आपके हमारे ये शरीर
कैसे पैदा हुए, मां से आज कैसे हो गए, तो ये बदलना कब होता है? निरंतर होता है। कोई क्षण भी ऐसा नहीं कि जिस क्षण में ये बदलता न हो। ऐसे परिवर्तन होता हुआ जो दिखता है रूप से, तो वो सत्ता वास्तव उस परमान तत्व की है। इस बार से संतों ने कहा वो है सदा ही, एक रूप से परिपूर्ण है, वही हमारा इष्ट है। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक पे एक सतेता सब कर परम प्रकाशक जो हुई राम अनादि अवधपति सोई। राम जी जो अवधपति है वो क्या है कि विषय जितने गए शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों को प्रकाशित करता है कर्म इंद्रिया, जैसे रूप को प्रकाशित नेत्र करेंगे ऐसे ऐसे अपनी इंद्रिया अपने अपने विषयों को प्रकाशित करती है। तो विशेष प्रकाश हुआ, इंद्रिय प्रकाशक हुई। तो विषय कर्ण और कर्ण को प्रकाश करते देवता जैसे नेत्र से रूप दिखता है, तो रूप दिखता है उसके अधिपति सूर्य है, तो अग्नि है, ये प्रकाश करते कर्णों को विषयों को। और उसको मन प्रकाश करता है, मन को बुद्धि प्रकाश करती है, बुद्धि को अहम प्रकाश करता है। अहम के प्रकाश में भी वास्तव में अहम प्रकाश नहीं है, वो जो भीतर परिपूर्ण परमात्मा उससे प्रकाश अहम में भी आता है, तो वो परम प्रकाशक है। दूसरे प्रकाशक है वो परम प्रकाशक, मतलब उससे अगाड़ी प्रकाशक कोई है ही नहीं, उससे बढ़ करके सबका प्रकाश ज्योति का ज्योति है। सबसे प्रथम जो भाषता वो ज्योतिषा में तत्ज्योति तमसा परम उच्चते, अज्ञान से पर है ज्योतिषा में भी तत्ज्योति है। ज्योति है सब सूर्य चंद्रमा विद्युत ये सब ज्योतिया, अग्नि है प्रतिदिना है जो छोटी बड़ी ये ज्योतिया, उस ज्योतियों का भी वो ज्योति है। दूसरी ज्योति हमारी इंद्रिया है जिनसे प्रकाश होता है, मेरे स्पर्श होता है, ये कठोर कठोर ये नाम भी पकड़ता है ऐसे, तो ये पकड़ी इंद्रिया में ये ज्योति है, उससे वो प्रकाश से इंद्रिया ज्योति है, उस ज्योतियों का भी वो ज्योति, मन बुद्धि ज्योति है, उसका भी वो ज्योति है। दूर से दूर मजीद ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप वो प्रकाश करने वाला, ये आदित्यगतम तेजो जगत भाषयते अखिलम, आदित्यगत तेज अखिलम जगत भाषयते, अखिल जगत को प्रकाश करता है। यह चंद्रमा से यह तो अग्नो, चंद्रमा में जो प्रकाश होता है अग्नि में होता है, तब तेजो विद्धि महामकम, भगवान का जो तेज मेरा है, उनका स्वतंत्र तेज नहीं है इनमें, वो भगवान का ही तेज है। तो तेज स्वरूप प्रकाश स्वरूप, तो प्रकाश स्वरूप तेज स्वरूप नेत्रों का विषय दिखता है ऐसा नहीं, वो बुद्धि का भी विषय दिखता है नहीं है, ऐसे तेज स्वरूप सबको प्रकाश करता है, सबको जानने वाला वो ही पति राम अनादि अवध पति सूर्य अनादि अनादि अनंत वो जी राम है, भगवान राम वही प्रकट हुए हैं। ऐसे जो निर्गुण निराकार है वे ही साकार रूप से प्रकट हो जाते हैं। जैसे यहाँ जल है, बस जल है परमाणु रूप से, यहाँ भी दो चीज ऐसे पैदा की गई हट पकड़ने लग जाए, तो वो निराकार है वो साकार जल का वो एक ही है। बर्फ का ढेरा, नदी तैरने वाली, बूंदों पड़ने वाली, और बद्र रूप से होने वाला, भाप रूप से होने वाला, और परमाणु रूप से होने वाला जल वो ही है, वो ही जल एक ही अनेक रूप से होता है। वो जल हमारे सूर्य के बीच में जब बदल नहीं होता तो कोई व्यवधान नहीं दिखता, परंतु तो वहाँ भी जल भरा हुआ है, वो सूक्ष्म परमाणु रूप से जल है, वो ही टक्कर लगा कर स्थूल हो जाता है वायु से अग्नि से, वो स्थूल हो जाता है भद्र रूप से दिखने लग जाता है, और स्थूल होता है गिरने लग जाता है,
और स्थूल है तो ओला रूप से हो जाता है। तो ओला रूप और परमाणु रूप ये अलग अलग तत्व अलग नहीं है, वही है। इस वजह से सगुण निर्गुण साकार निराकार ये वो एक ही परमात्मा है। बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा ही परमात्मा पड़ता है। उसको जानने वाले कहते हैं वासुदेव सर्वम इति सर्वात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रबद्धते। संपूर्ण परमात्मा ही परमात्मा है। अपने शरीर में देखा जाए तो शरीर है, इंद्रिया है, प्राण है, अंतःकरण है, ये सब में वो आत्मा थे परमात्मा परमात्मा परिपूर्ण है। उसी सत्ता से इनकी सत्ता है, स्वतंत्र की सत्ता है नहीं, किसी क्षण भी न बदले ऐसी बात नहीं है। न भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। और जो संसार है असत का भाव विद्यमान जो होना पाना विद्यमान नहीं है, अड्डू बदलता है विद्यमान का है, विद्यमान नहीं है, बदलता है अर्डम ही परिवर्तनशील नित्य निरंतर। वो एक ऐसा आधार है सबका दिशा, सबका प्रकाशक है, सबका आधार है, सबका ज्ञापक है, सबका आश्रय है, सबका अधिष्ठान है। उसमें ये सब कुछ है। वो ज्ञाता है, वो दूर से दूर नजदीक से वही राम के साधक रूप से वही प्रकट होते हैं, संसार रूप से वही प्रकट हुआ है। इस वास्तु वासुदेव सर्वमिति ज्ञात्मा जिसको ज्ञात्मा सब कुछ वो परमात्मा ही है। तो कोई एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। जैसे सोने से बने हुए अनेक गहना सोना ही है, लोहे से बने हुए अनेक अस्त्र लोहा ही है, इसी मिट्टी से बने हुए सब बर्तन मिट्टी है, खांड से बने हुए सब खिलौने खांड ही है। ऐसे पांच भौतिक संसार बना हुआ वो परमात्मा ही है। पांच भूतों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उस परमात्मा तत्व से ही सत्ता वाले हो रहे हैं। तो इसमें सत्य प्राण रूप से परमात्मा ही परिपूर्ण है। नाम रूप अस्थिभाति प्रियंग नाम रूप इत्यंश पंचकम आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम तत्वद्वयम अस्थिभाति प्रियंग ये परमात्मा का स्वरूप है। नाम रूप ये जगत है। नाम रूप बदलते बदलते सत्ता रह जाएगी अस्थि और उसकी भान होता है और इसमें सब में प्रियता है, एक एक प्रति आकर्षण पर है वो अस्थिव्यापी प्रियंग। और नाम रूप और नाम रूप ये संसार अलग अलग दिखते हैं, मनुष्य उनका नाम दिखता है, पदार्थ दिखते हैं, ये नाम रूप अस्थिव्यापी प्रियंग नाम रूप इत्यंश पंचगम आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम अस्थिभाती तो ब्रह्म स्वरूप है। और ये नाम रूप है संसार है, तो नाम रूप बदलता रहता है। अपनी दृष्टि में नाम दिखता है स्थायी रूप से मनुष्य ऐसा दिखता है, उनको मनुष्य बना भी मिलेगा नहीं। आप किसी मनुष्य को देखो तो मनुष्य क्या दिखेगा, उसको मनुष्य कहते हैं। खोजने पर मिलेगा हाथ है, हाथ क्या है खोजने मिलेगा नहीं, अंगुली। इस अंगुली में चुकड़ टुकड़े देखा था तो समझो है कि मांस है हड्डी है, वो हाथ अंगुली दिखेगा नहीं। ये ऊपर देखने के व्यवहार करने के लिए कल्पना करिए, ये नहीं है। और जो है पन है वो उस परमात्मा का ही है, सत्ता रूप से वो ही है रूप है। कोई अवतार धारण कर देते, कोई जगत रूप धारण कर दिया, वो आद्य अवतार ही कहा है। पहले जगत रूप से प्रकट हुए तो सब वो परमात्मा ही परमात्मा है। तो उसको प्राप्त करना चाहे तो ये याद रखे ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है। भागवत माया आदि से जयमान शांत बेगम प्रणवदूमो आश्वान गोकरम प्रणाम लंबा पल कर दंडवत घूमो
मम्मी का दर्शन बुद्धि पर करे। रूप दिखते स्वर चांदाल को गला दिखता है, कुत्ता दिखता है, चांदाल दिखता है, गाय दिखती वो दिखने है वही परमात्मा। खान के खिलौने कई तरह दिखते हैं, सिवाय खान को कुछ नहीं है, ऐसे अनेक दिखते वो परमात्मा ही बताता है। नारायण 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 नारायण।